अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मुहर्रम का महीना है और हर साल हम लोग जो हैं वो मुहर्रम में नौवीं मुहर्रम को न्याज बांटते हैं खीर की, जो कि हम बांटते हैं ठूठियों में। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इसे क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे कहते हैं पंजाबी में ठूठियाँ, जो कि बच्चे मुहर्रम के महीने में बच्चों को बड़ा क्रेज़ होता है कि वो ठूठियों में न्याज लें, खीर लें। सो मैं अभी मार्केट के आया था, तो मैं जाके ठूठियाँ तो मैं ले आया हूँ, उनको भिगो के रखना पड़ता है पहले। सो चले चलते हैं, ठूठियों को पहले भिगोते हैं और उसके बाद खीर पकाते हैं, तैयारी करते हैं बाकी न्याज की। तो यार ये जो है वो उन भाई साहब ने हमें ठूठियाँ दी हैं, ये उन्होंने कोई हमें बोरियों में भर के दे दी हैं, तो अब ये निकालते हैं और साथ साथ इधर भिगोते जाते हैं, उनको फिर थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे। धोने के बाद उनको साफ करेंगे, जैसे ये साफ हो जाएंगी तो उसके बाद इन्हें खुश करके उनमें खीर डाल देंगे। तो जी हमने सारी जो थी हमारी ठूठियाँ हमने इस टाइम पानी में भिगो दी हैं, तो अब ये कितना टाइम लेंगी उसके साथ साथ हम लोग बाकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, खीर पकाते हैं और फिर ये हुश करके इनमें खीर डाल के फिर आगे बांट दी जाएगी। खीर हमारी पकना शुरू हो गई है जी, चावल हमने डाल दिए हैं और वो बॉयल हो गए थे, और अभी हम इसमें क्या करेंगे, दूध डालेंगे। दूध मैं ले कर आया था कल, तो अब इसमें दूध डालते हैं और फिर इसको मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए, पकने के लिए छोड़ते हैं। से जी खीर हमारी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम रह गया, जैसे ये तैयार होती है तो इंशाल्लाह फिर ये ठूठियों में डालेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर बांटेंगे। पहले सारी सीधी गर्म रखनी होंगे क्योंकि फिर हमें खीर डालने से आसानी होगी। माशाल्लाह से जी न्याज हमारी जो है खीर वो तैयार हो चुकी है, तो अब हम इन्हें ठूठियों में डालते हैं, ठूठियों में डालेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बांटना शुरू कर देंगे। हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब चले चले और बांटते हैं न्याज से।
Come on.